सरोजिनी नगर के गेट नंबर 5 पर इस वक्त आप देख सकते हैं एक ऑटो यहां पर खड़ा है और जस्ट जो ऑटो से उतरे हैं लोग वो यहां से अभी निकल रहे हैं। और ये सब कुछ जो स्टॉपिंग पॉइंट है या पिकिंग पॉइंट है वह इस खंभे के और लटकते हुए तारों के बहुत करीब है। ऐसे में अगर यहां पर जलभराव होता है तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसी ही स्थिति होगी जो कि पटेल नगर साउथ के 8 ब्लॉक में आपको नीलेश राय के केस में दिखाई दी थी। और आप देखिए यहाँ पर, मैं नहीं कहता कि ये फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है, लेकिन अमूमन जो इसका कनेक्ट है आप देख सकते हैं इसका वायर जो है कनेक्ट है और ये जो केबल की बिखरी हुई तारें हैं ये ठीक आगे की तरफ जाती हैं जो मेन लाइन की तरफ जाती हैं और जुड़ जाती हैं। और जगह जगह जहाँ पर बॉक्सेस लगे हुए हैं वह टूटे फूटे हुए हैं और यहाँ पर जीर्ण शीर्ण हालत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोल है यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से जो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है अगर बारिश तेज़ होती है। और यही वजह है कि ऐसे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि यहाँ अगर जलभराव होता है तो जाहिर तौर पर ये जो ग्रिल है, ग्रिल सीधे तौर पर जो केबल जा रही है जीर्ण शीर्ण हालत में वह सटी हुई है इस केबल से। और अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बिजली आ रही होती है केबल में और उसके बाद से करंट फैलने का डर हमेशा फैला रहता है, तो साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ ऐसे मार्केट जो कि बहुत बिजीएस्ट हैं वहाँ पर ऐसे बहुत सारे संकटग्रस्त या फिर यूं कहें हादसों को दावत देने वाले पॉइंट्स आपको दिखेंगे। ज़रूरत है पटेल नगर की घटना से सबक लेने की और इस तरह के हादसों को रोकने की, लेकिन लगता है एजेंसीज़ ने कोई सुध नहीं ली। बिजली के तारों के साथ जब इंटरनेट और केबल का तार मिल जाता है तो तारों का एक ऐसा मकर जाल बनता है जो कि राजधानी दिल्ली के हर इलाके में आपको देखने को मिलेगा। शकरपुर जो का स्कूल ब्लॉक में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 तकरीबन एक एक करके आप पोल देखेंगे तो हर पोल की स्थिति यही है। और यहाँ पर जो तारों का मकर जाल है वो साफ तौर पर हादसों को एक बड़ी दावत है। और चूंकि लक्ष्मी नगर का शकरपुर का इलाका काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड माना जाता है, भीड़ भाड़ भरा बाजार है, तंग गलियां हैं, लेकिन इन तंग गलियों में जब आप जाएंगे तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बीच रास्ते में एक पोल है और यहाँ पर भी वही तारों का जंजाल है। और साफ तौर पर देखिए कि घर की बालकनी और इस पोल के बीच में सिर्फ एक हाथ की दूरी है और शायद उससे भी कम। आखिर इस स्कूल ब्लॉक का क्या और हाल है और किस तरह से यहाँ पर जो ये उलझे हुए तारों का मकर जाल हादसों को दावत देता है, बात करेंगे सोशल वर्कर धर्मेंद्र चौहान जी से। धर्मेंद्र जी, सबसे खास बात कि अमूमन मानसून जब आता है तब गलियों की क्या स्थिति होती है? भाई साहब, यहाँ की जो स्थिति है इतना दिन पर दिन दर बदर होते जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बारिश का आना और लोगों का मौत का जंजाल शुरू हो जाना होता है। आप गलियों में तारों की स्थिति देख रहे हैं। अभी 15 दिन पहले अभी मेन मार्केट में ही आग लगी थी 1:30 बजे रात में। सारे ही लोग जब सोए हुए थे शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे नीचे गाड़ियां खड़ी थी। वो तो किस्मत अच्छा था, ऊपर वाले का शुक्र था कि बच गई। BSES को फ़ोन कीजिए तो कम से कम घंटों लगा देते हैं लोग आने में। सरकार का लचरदार रवैया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी लाइव एग्जाम्पल आप पटेल नगर में आपने देखा है कि उस बच्चे की क्या गलती थी जो अपना सपने लेकर संजो करके आया था दिल्ली में कि हम IAS का एग्ज़ाम करने के लिए जा रहे हैं। आज देखिए उसकी क्या स्थिति है। यहाँ आप सामने में देख रहे होंगे कि क्या पोल का स्थिति जो है कि थोड़ा सा पानी होता है अर्थ लेता है पूरे बालकोनी में, लोगों के घर से रिलेटेड बालकोनी सब सटा हुआ है। कब किस समय कौन हादसा कहाँ पर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आम जनता जो है अपनी किस्मत पर जी रहा है, सरकार के तरफ से कोई इसका हल नहीं निकाला जा रहा है। केजरीवाल जी आए थे तो कहे थे कि 2021 में ही बोले थे कि सारे बिजली के तार जो हैं वो अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे, दिल्ली में झीलों का शहर बनाएंगे। देख ही रहे हैं ड्रेनेज का और सीवर के क्या सिस्टम का हालत है, आपको पता नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स करने का, पार्टी पॉलिटिक्स करने की चीज़ नहीं है, ये आम जनता की तकलीफ़ों की चीज़ है। क्यों आम जनता बहुत तकलीफ़ में है? क्योंकि अक्सर जब इस तरह के हादसे होते हैं तब किसी न किसी घर का जो चिराग है वो बुझ ही जाता है। रविकांत तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, आज तक।